कर तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों मेरे बलबीर को बोलो सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड जय गुरुदेव। आज दे हाल टॉक शो विच मैं तुहाड़े लिए लेके आई एक स्पेशल गेस्ट जो सानू जानकारी देंगे फर्टिलिटी के बारे। साढ़े नाल साढ़े स्टूडियो के शामिल है आरती जो कि है वूमेन्स हेल्थ कोच, तो उन्होंने स्वागत करते हैं तो उन्होंने जानकारी लेंगे कि फर्टिलिटी की हैगी है। सो आरती आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में काशी टीवी पर, तो आप अपने बारे हमें बताएं। थैंक यू बलबीर जी, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे आज इधर इनवाइट किया है। तो मैं एक वुमेंस हेल्थ कोच हूँ जी, और मेरा जो लक्ष्य है जी, औरत को खुद की शक्ति का अनुमान कराना। सो पावर देना है, यानी कि आप औरतों को पावर शक्ति देते हैं कि किस तरीके से वो पावरफुल हो सकती हैं। जी हाँ जी, क्योंकि जो औरत होती है, जो महिला होते हैं, उसको जी दे कैन कंसीव ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, उसको जी दान का दया होता है। तो इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो खुद भी अपने आप को ताकतवर समझे। तो एक औरत कहते हैं कि जब किसी को जन्म देती है तो एक वो जन्म ही नहीं देती, खुद का भी उसका जन्म होता है, जैसे exactly. हम कहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से आप हैं, तो आपने यही एरिया अपनी लाइफ में कैरियर के बारे में क्यों सोचा कि मैं फर्टिलिटी में जाना चाहूँगी, मैं औरतों को यही जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप कोचिंग करती हैं, तो मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा इसके बारे में आपसे। ज़रूर, थैंक यू। तो ये मैं पैदा हुई हूँ, मैं इंडियन फैमिली से हूँ, आप देख सकते हैं हिंदी में बात कर रही हूँ पर मेरे मैं पैदा हुई हूँ ग्रैन कनेरिया में, कनेरी आइलैंड्स में, स्पेन में जी। और फिर मैं आई थी यूके में पढ़ने के लिए, और मेरी शादी पंजाबी के साथ हो गई। और ऑल मिक्स फैमिली है यानी कि आपकी जी। और आप कह रहे थे कि क्यों फर्टिलिटी, आई थिंक फर्टिलिटी अभी कहते हैं कि कैंसर जैसे भी हो सकती है जी, कोई इनफर्टिलिटी सॉरी कि कभी कभी लोग जब भी उसको बच्चा नहीं होता है तो जो स्ट्रेस औरत को होता है, खुद का स्ट्रेस और जो स्ट्रेस और लोग उसको देते हैं भी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत बर्डन हो जाता है। तो इसलिए जैसे जब भी काम शुरू करते हैं क्लाइंट्स खुद आते हैं, तो यही मेरी स्पेशलिटी हो गई, क्योंकि क्लाइंट्स प्रेग्नेंट हो गए और यू नो वन पर्सन टोल्ड द अदर, सो आई डिडन्ट हैव अ चॉइस। सो यू डिडन्ट हैव अ चॉइस बेसिकली टू डू दैट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें आरती की फर्टिलिटी क्या है, तो वो आप क्या कहेंगे कि फर्टिलिटी क्या मायने रखती है? तो फर्टिलिटी है जब भी किसको कल्पना होती है कि मुझे बच्चा चाहिए, वो एक एहसास होता है खुद की ज़िंदगी में कि अभी कुछ कमी है और मुझे बच्चा चाहिए। तो वो एक जैसे एक मुसाफिर होता है इस जर्नी में, तो एक जर्नी शुरू हो जाती है। तो फर्टिलिटी है, खाली लोग कहते हैं अभी फर्टिलिटी मुझे बच्चा चाहिए, मैं ट्राई कर लूँगी बच्चा आ जाएगा। अभी जिस दौरान में हम हैं पेंडेमिक जी, इट्स बहुत चैलेंजिंग है, अभी तो बहुत चैलेंजिंग है हमेशा, क्योंकि काफ़ी हमारी जो उनसे हेल्थ कंसर्न है कॉडिप को लेकर काफ़ी मुद्दे चेंज हो गए हैं। हाँ जी, तो इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे शरीर को देखिए क्या हो रहा है हमारे शरीर में, हमारे मानसिक भी देखे, हमारे थॉट्स कैसे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो भाविक अवस्था है, जो हमारे जज्बात है। क्योंकि कभी हम मैं आपको भी पूछ लूँ आप कैसे हैं, आप क्या मुझे जवाब देंगे? वो है कि कई बार हम बाहरी तौर से कह देते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो मुझे ही मालूम है, लेकिन किसी और को मालूम नहीं पड़ता। वही है, तो इवन फर्टिलिटी जर्नी आप कैसे हैं, मुझे बच्चा चाहिए, ये बस ऐसे ही आप टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। पर बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है कि पहले तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है जी। जब ये लोग मेरे पास आते हैं, they've tried everything under the world, even unsuccessful IVF, तो मैं एक जैसे होप हूँ, एक आसरा हूँ, इट्स अ लास्ट होप, आई थिंक वो ही मेरा टैगलाइन होगा। जब भी आपका कुछ है नहीं और अभी जो भी है आप ट्राई करेंगे, फिर लोग आते हैं और फिर वो देखते हैं कि जो माइंड और बॉडी कनेक्शन है कैसे आप कर सकते हैं।
तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि एक औरत को बच्चे कहते कि औरत काफ़ी अधूरी मानी जाती है अपने हमारे एशियन कल्चर में, लेकिन अब तो यू कैन अडॉप्ट चिल्ड्रेन, बहुत सारी डिफरेंट है, लेकिन अपने माइंड की एक सेटअप होती है कि हमें किस लिए बच्चा चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक माइंड बॉडी जो उनका कनेक्शन है वो होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि एक वूमेन जो उनसी औरत है उसको फर्टिलिटी जर्नी एक सफ़र माना जाता है, उसमें आप किस तरह औरतों की मदद करती हैं, किस तरीके से औरत को एक इस जर्नी में हेल्पफुल करती हैं, इस सफ़र में आप मदद करती हैं? तो मेरी जो फर्स्ट लेडी आई थी फर्टिलिटी जर्नी में, और एक ही ट्रीटमेंट में वो प्रेग्नेंट हो गई, और मैं कभी नहीं भूलूंगी वो। दैट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग। पर इतना सिंपल था, पर जैसे कभी कभी जब भी आप इन द मिडल ऑफ अ प्रॉब्लम होते हैं, आप खुद नहीं देख सकते हैं आपको क्या कौन सा परिवर्तन ज़रूरी है बेबी आने के लिए। तो जो मैं करती हूँ, इट्स होलिस्टिक थेरेपी कह सकते हैं, क्योंकि मैं सिखाती हूँ औरत को कैसे वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हाथ में, पैरों में भी कैसे स्टिमुलेट करना, तो रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, फर्टिलिटी मसाज। पर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम कह रहे थे, वो जो मन में है वो आप निकालिए, वो आप थोड़ा सा एहसास कीजिए आपका मन क्या कह रहा है, कौन से विचार हैं जो रिपेटिटिव डायरिया हो रही है, जो आप उधर से निकल नहीं सकते हैं। तो ये लेडी जो थी उसको बहुत स्ट्रेस था काम में, और बेबी के लिए टाइम ही नहीं था। तो बेबी चाहिए, हाँ IVF जा रहे हैं पर टाइम नहीं है। और फिर जब भी रू चूज़ करती है कौन से घर में आने के लिए, आपको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बनाना है जी। जैसे हम एक रूम है उसमें कुछ ना कुछ नया फर्नीचर चाहिए, तो दूसरे फर्नीचर को हमें मूव करना पड़ता है, इसीलिए किसी को हम इनविटेशन दे रहे हैं लेकिन उसके लिए जगह नहीं बना रहे, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली तो वही काम मैंने, थोड़ा सा बॉडी को नॉर्मलाइज करना जी, मन को और आपके भावनिक अवस्था को योग में लगाना, तो सारा यूनियन हो जाता है, सब बैलेंस में आ जाता है। तो ऐसे आप मदद करते हैं माइंड एंड बॉडी को एक तरीके से आप हील करते हैं, तो उसकी वजह से फिर तो आरती कई बार जैसे चाइल्ड लूज भी होता है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे कि उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं या वो क्या है। ये थैंक यू वेरी मच आप ये पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग इसके बारे कुछ नहीं कहते हैं। जैसे कहते हैं जब भी आप थोड़ा सा डस्ट होता है घर पर और आप डस्ट को कारपेट के अंदर थोड़ा छुपा देते हैं, ऐसे ही बेबी लॉस का टॉपिक है। तो लोगों को किसी को माँ को भी खुद महसूस नहीं करते हैं कि क्या उसने लूज़ किया। तो पहले इवन इफ इट्स अ मिसकैरेज, जो मिसकैरेज अभी 6 हफ्ते आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है जी। उसके बाद आप महसूस करते हैं आप प्रेगनेंट है, उसके बाद बेबी लूज हो जाता है। रू तो आ गई, और एटलीस्ट रू की तैयारी हो गई, तैयारी थी और आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए खुद को महसूस करने के लिए कि आप माँ बन गए। आप सोचते जब तक आप बेबी को हाथ में नहीं पकड़ते हैं बेबी नहीं आता है जी। पर कंसीव तो हो गया, और जो आपका गर्भ है उसको भी दुख है कि बेबी हैज़न्ट गॉन फुल टर्म। यह सो इट्स सोग होता है एक किस्म का उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा सोग। आई लव दैट वर्ड, इट्स बहुत बहुत गम होता है, सोग होता है, और उसको लोग जो कहते हैं ना छोड़ दो दूसरा बच्चा आ जाएगा, आपको थोड़ा वैलिडेशन, मैं नहीं कह रही हूँ सेल्फ पिटी में इंडल्ज करो, वो थोड़ा सा वक्त दो, जैसे बेबी को नाम दो, एक बलून रिलीज़ कीजिए, एक सीड प्लांट कीजिए, जैसे कोई गुजर जाता है आपको, आप क्रिमेशन में जाते हैं, एक सेरेमनी में जाते हैं, उसको बंद करने के लिए, उसको क्लोजर देने के लिए। तो ऐसे भी पहले तो लेडीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस आई हैव लॉस्ट अ बेबी, और ख़ुद को कहना चाहिए कि हाँ मैं माँ हूँ, मेरा बेबी एंजल हो गया है। और एक मैं आपसे भी इंस्पायर्ड हूँ बलवीर जी, थैंक यू। और आई थिंक आपने भी मे बी ये स्टोरी यूज़ की है, तो मैंने सोचा मैं इधर भी शेयर कर लूँ। जरूर आप तो अकबर और बीबल का आपको तो पता है ना जी। अकबर और बीबल, तो एक बार अकबर था जो एक राजा था, उसको उसने सारी प्रजा को कहा था जाकर मुझे मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी लेके आओ।
तो फिर बीरबल ने पहले बच्चा जो था उसको ही लेके आया, और अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को थोड़ी सी चिकन पॉक्स थे, इट हैड सम बॉयल्स। तो अकबर ने कहा, आर यू हैविंग अ जोक, क्या आप जोक कर रहे हैं मेरे साथ, कैसे ये बच्चा ले आ सकते हैं। तो बीरबल ने कहा, उसकी माँ की आँख से देखो। तो ऐसे ही इवन इफ़ द बेबी अलाइव है या नहीं, इज गॉन, माँ की आँख से देखना। ये जो आपने एग्जांपल दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल आपने दिया है, कि जैसे एक तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री आपने बताई, स्टोरी बताई जो कि अकबर बीरबल की, जो कि हम सुनते आ रहे हैं। साथ में आपने जो उससे पहले कहा कि यू नीड टाइम इनटू हियर एंड प्लांटिंग अ सीड, मैंने देखा कि कई हमारे कल्चर में ये थोड़ा सा कम है, जहाँ पर कि वुमेंस को टाइम नहीं दिया जाता। बट वाइट कल्चर में मैंने देखा कि किसी लेडी के साथ ऐसा हुआ, उसने जैसे आपने बताया कि दे हैड अ प्लांटर, प्लांट उन्होंने लिया, तो उसका नाम रखा कि ये हमारे बच्चे की याद में वी गोना ग्रो दैट एंड ऑलवेज गोना मिस दैट। क्योंकि एक लाइफ टाइम आपका इवेंट है, वो आप कैसे मिस कर सकते हैं, इट्स अ मेमरी। सो मेमरी हमें हमेशा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मेमरी मेमरी होती है, स्पेशली जो आपके साथ गुजरी हो तो उसमें बहुत बड़ा लिंक बनता है। तो और भी कोई आप क्या सोचते हैं कि जिनसे हमारे एशियन कल्चर में जो उनसे चाइल्ड लूज है होता है, जब उसको इतना गौर क्यों नहीं दिया जाता कि वो लोग होते हैं सोसाइटी में जो ऐसा करते हैं कि वुमेन आप नहीं चाहती कि वो लुक फॉरवर्ड करें, या कल्चर हमारे में ऐसे सिखाया जाता है कि नहीं दैट्स डन। कल्चर में आप क्या कह रहे हैं, तो कल्चर क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है बेबी लॉस के लिए? हाँ, क्योंकि कल्चर एक्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपको तो पता है बेबी हुआ है इस टाइम, कर्म उसके कितने थे कि वो ही टाइम था जी। पर वो कभी कभी लोग समझते हैं कि आप खाली फोकस करो बेबी लेने के लिए, तो उस प्रेशर के साथ जो इवन जो लोग भी प्रेशर डाल लें वो खुद प्रेशराइज्ड है, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। पर फिर भी जैसे आप एक इवन जो आप फैमिली मेम्बर है, माँ है या सास है या भैया है या फ्रेंड है, खाली एक्नॉलेज कीजिए कि ये हुआ है। क्योंकि बहुत सपोर्ट ग्रुप्स है, सैंस है, इधर यूके में सैंस है, दूसरे कल्चर्स में बहुत चैरिटीज़ हैं जो माँ को भी मदद करते हैं, पर माँ के साथ ग्रैंड पेरेंट्स को, हस्बैंड्स को भी, तो दोनों सारे इकट्ठे करके यू कैन अलाउ कर सकते हैं कि सेलिब्रेट करना बेबी आया और अभी बेबी गया। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आपने कहा, यही मैं चाहती थी कि आप बताएं कि एज ए फैमिली, एज एक कम्युनिटी, आप एक दूसरे को समझ कर इससे उभर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि सिर्फ ये औरत का लूज नहीं है, हम कई बार सोचते हैं उसके साथ हुआ, चलो पता नहीं क्यों रोई जा रही है या ऐसा क्यों है, लेकिन एज ए फैमिली जैसे आपने बताया कि जैसे ब्रदर है उसमें, हस्बैंड है या मदर इन लॉ है, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है, उस औरत के साथ, उस बच्चे के साथ, उनका कुछ ना कुछ लिंक था। अगर वो एक दूसरे की, जैसे आपने कहा कि एक दूसरे को सुनते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कि यह वो आया था चला गया, दैट्स फाइन, पर हमें अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। जरूर। और एक कुछ भी है, कभी जब भी हम सोचते हैं किसी को बेबी लॉस हो गया, मैं क्या कह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, और उस वो एक इम्पेडिमेंट हो जाता है जी। पर आप खाली उसके साथ करुणा के साथ ट्रीट करो। कभी कभी हम सोचते हैं, अफसोस करते हैं, पर हम महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अफसोस के लिए हम कह रहे हैं कुछ, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, पर इंस्टेड कुछ कीजिए, सोल्यूशन, बी पार ऑफ द सोल्यूशन, करुणा के साथ, दया के साथ, आप रादर देन सिंपथी और एम्पथी, बी कंपैशनेट। क्योंकि जब भी आप किसी और का दर्द महसूस करते हैं और फिर कुछ करते हैं वो दर्द को कम करना, वो ही दया है, वो ही करुणा है। ये भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि जब हम कहते हैं दूसरों की मदद नहीं हम कर रहे होते, हम अपनी मदद खुद कर रहे होते हैं जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं। तो इसमें ये भी है कि जो सा वुमेन का जो सा मेन पार्ट है, हाउ बॉडी एंड वुमेन, हाउ दे कनेक्टेड टू ईच अदर, आरती ये थोड़ा और हमें बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये फर्टिलिटी का भी नहीं है कि आप नहीं सोचिए कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं नहीं सोचूंगी, ये एवरी वुमन का
अधिकार है, हक है कि हम देखें क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। और एक बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप हाथ आपके हृदय में रख सकते हैं और दूसरा आपके गर्भ के उस स्टमक में, और थोड़े से लंबे सांस ले सकते हैं और थोड़ा सा जैसे ग्राउंड कीजिए और फिर आप देखिए क्या हो रहा है शांति में, और थोड़े से थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा सा स्लो ले लीजिए और देखिए क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर। क्योंकि जो विजडम होती है ना, जो आपका जो जैसे आप कह रहे हैं जो आपकी समझ है आपके अंदर है, पर आपको टाइम नहीं है आपको अंदर जाने के लिए, इसलिए आप बाहर जा रहे हैं। इतनी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, स्पेशली कहते हैं ना कि वुमेन का, औरत का जो सा दिमाग है, आदमी का जो सा दिमाग है, एक टाइम पर एक चीज़ सोचता है कई लोग कहते हैं, एंड औरत एक टाइम पर काफ़ी कुछ सोच रही होती है। तो मोर टाइम जैसे आपने कहा कि आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि देखें कि क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन वो ही है। तो इससे और क्या क्या देखना चाहिए बॉडी और माइंड जैसे आप बता रहे हैं? तो जब भी आप रिलैक्स करते हैं आप हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं जिधर भी आपको जैसे दर्द है। तो एक माइंडफुलनेस का टिप है, मेनी पीपल मे हैव हर्ड इट, बॉडी स्कैन जो करते हैं जी। तो जब भी आप ऐसे जैसे हम बैठे हैं, हम दोनों बैठे हैं, हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आपके सिर से नीचे नीचे आ जाइए, शोल्डर्स, आर्म्स, स्टमक में सारा, आप थोड़ा सा एक जैसे डिटेक्टिव होता है, आप चेक कीजिए किधर आपको थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, और उसको आपके सांस के साथ जो हमारे प्राण होते हैं, हम प्राणा जैसे कहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, और वो प्राण के साथ आप जो डिस्कम्फर्ट है, पहले तो बॉडी में जो ब्लॉकेज हो जाती है वही दर्द जैसे मैनिफेस्टेशन हो जाता है जी। तो पहले तो एक्नॉलेज कीजिए क्या हो रहा है, और उसके बाद सांस के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, कलर के साथ आप हल्का हल्का थोड़ा सा वो लेट गो कर सकते हैं। ओके, सो कहें कि अगर आपके पेट में दर्द है तो आपने उसमें स्कैन करना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सांस आपने वहाँ पर लेकर जानी है, उसमें अपना एक पॉजिटिव थॉट भेजना है कि मेरा पेट ठीक हो रहा है, जो दर्द है चली गई है उसके दौरान, फिर उसके ज़्यादा आप उससे आगे उसको ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली, पर पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे दर्द है। ये भी बहुत बड़ी बात है, कई बार हम मानते नहीं कि हमें दर्द है, हो रहा है लेकिन हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, और जैसे हम फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी जब भी बहुत लोगों को डायग्नोज होता है अनडायग्नोज्ड इनफर्टिलिटी, जैसे अनएक्सप्लेनेबल इनफर्टिलिटी कहते हैं जी, और फिर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि क्यों मुझे ये हो रहा है, तो उस टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अंदर 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 मुख होइए और देखने के लिए क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर। और कभी कभी टेस्ट जो आते हैं, आप खुद डॉक्टर सारे टेस्ट नहीं कराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थायराइड का, थायराइड और इनफर्टिलिटी के साथ बहुत गहरा संबंध है, पर दे डोंट आस्क यू टू डू थायराइड टेस्ट्स। सो आप मे बी डूइंग द बॉडी स्कैन आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं सिम्टम्स होते हैं अंडर थायराइड के, तो फिर आप टेस्ट पूछ सकते हैं कि मुझे ये करना है। तो दैट इज़ द माइंड बॉडी कनेक्शन, देखने के लिए किधर आपका रुकावट हो, किधर आपकी रुकावट। कई बार याद ये भी होता है कि कईयों को पता नहीं है कि थायराइड क्या है, तो उसकी वजह से भी होता है, सर्टन साल हमें सोचते हैं कि हमारे कुछ हो रहा है गले में या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन उनके साइन हमें पता नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे लगता है कि और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि थायराइड में जैसे आपने कहा कि कई साइन उसके रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं हमें। तो थायराइड इट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, खाली जो सिम्टम्स होते हैं वे थोड़े से अलग होते हैं। जैसे एक मेन सिम्पटम थकावट, जब भी आपका आपकी ज़िंदगी इतनी बिजी नहीं है पर थकावट बहुत आ जाता है जी। तो इतने सिम्टम्स है कि आप खुद पता नहीं होता है क्या हो रहा है, पर आप पूछ सकते हैं डॉक्टर को टेस्ट कराने के लिए, फिर आप वो देख सकते हैं। पर सिम्टम्स के ज़्यादा जब भी आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, एडवांस्ड ब्लड टेस्ट नहीं होता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपको डॉक्टर को पूछे सारे साइंस जो होते हैं थायराइड के, वो सारे टेस्ट हो करें, खाली बेसलाइन नहीं देखिए, थोड़ा गहराई में जाइए देखने के लिए।
पर टायर्डनेस ज़्यादा होता है। और एक एक्चुअली जब भी हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं जब भी ये आपको डायग्नोस होता है, वो आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस है, ये धनिया कहते हैं, बहुत अच्छा होता है थायराइड इम्बैलेंस के लिए। ओके, सो आज हम फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें थायराइड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है आरती से, विच इज़ सो ग्रेट। सो आरती जैसे बता रहे थे कि आपको, कि अगर आपको थायराइड है उसमें धनिया भी काफ़ी हेल्पफुल। धनिया कैसे, आप ग्रीन धनिया की बात कर रहे हैं कि ड्राई जौन सा होता है, उसके बारे में बता रहे हैं? ड्राइड सो उसको वैसे ही खाना है कि कुछ पानी में मिक्स करना है या कुछ ऐसा करके खाना है? बेस्ट है कि आप सीड्स खरीदिए जी और उसको ग्राइंड करके पानी में सुबह में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पहले वो ही पीजिए। 1 टीस्पून कर सकते हैं तो 1 टेबलस्पून इन से एक बड़ा सा ग्लास में आप वार्म वाटर के साथ आप पी सकते हैं। सो थायराइड का बहुत बड़ा कनेक्शन, जैसे इनफर्टिलिटी अगर आप बच्चा चाहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कंसर्न है। सो मेक श्योर कि आप थायराइड हमेशा ये देख लें कि थायराइड तो नहीं, आपको अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसमें हो सकता है कि आप डॉक्टर से टेस्ट कराएं। जैसे आरती ने बताया कि कई बार डॉक्टर ये टेस्ट नहीं करते, तो उसमें आप पूछ लें कि मेरा थायराइड का आपने टेस्ट किया या नहीं, कि नहीं आरती? और आरती, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो है कि जो पीरियड सर्कल, जिसे मून के आधार से देखा जाता है, चंद्रमा के आधार से, उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दें, जब स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग टू हैव बेबी। तो बहुत कहते हैं कि मून कुछ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मायने नहीं रखता जैसे क्यों है हम बात भी कर रहे हैं। पर मैं खाली आपको एक बेनती करती हूँ, आप खाली देखिए जब भी चांद फुल मून होता है, पूर्णमासी का दिन होता है, जब भी चांद ग्लोइंग है स्काई में, तो उस टाइम जो है कहते हैं सिंबॉलिक है हमारे पीरियड के साइकिल में, और वो है जब भी हम ओवुलेट करते हैं, जब हमारे एग रिलीज होता है जी, और जब भी अमावस की रात होती है, जब भी स्काई में अंधेरा है, वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन, जब भी हमारा पीरियड है। तो एक बहुत जब भी हमारी पीरियड साइकिल रेगुलर होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो 28 डेज हो, खाली रेगुलरली है, एज इन एवरी मंथ आ रही है, अच्छा फ्लो है, और कुछ ज़्यादा क्लॉट्स नहीं है, और ब्राउन ब्लड नहीं है, आपको ये सारा चेक करना चाहिए, और कुछ है तो आप ज़रूर फर्दर टेस्ट के लिए जाइए। पर जैसे चंद्रमा है, आप थोड़ा सा जब भी मेरे पास लोग आते हैं जो इसको पीरियड है ही नहीं, तो और फिट बट दे कैन स्टिल कंसीव, और उसको ओवुलेशन भी हो सकता है, तो चंद्रमा के साथ वो थोड़ा सा जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग एज इन आप लिख सकते हैं चंद्रमा का दिन ये है, और मैं कैसी महसूस हो, मेरे भाविक अवस्था कैसी है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मेरे ख्याल कैसे हैं, और ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके शरीर में क्या हो रहा है। आप चांद को यूज़ कर सकते एज अ लिंक। वेरी गुड। और इसमें ये भी है कि चंद्रमा का जो जमीन कैरेक्टर देखने में आता है कि ओवरीज का, हाँ जी ये कनेक्शन क्या है? तो जब ये कहते हैं जब ये फुल मून होता है, दैट्स व्हेन यू आर ओवुलेटिंग, तो उसका मतलब है कि आपका जो फलोपियन ट्यूब से एग रिलीज हो गया है, और उस टाइम अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जब भी आप ओवुलेशन ज़्यादा टाइम चंद्रमा के साथ है, एज इन पूर्णमासी के दिन में, तो इट्स अ गुड साइन ऑफ फर्टिलिटी, कि आप चंद्रमा के साथ इन सिंक है, बैलेंस में है, सो ओवुलेशन अच्छा। चंद्रमा का काफ़ी कनेक्शन है, यानी कि औरत के साथ, सो इट्स मोर लाइकली। एग्जैक्टली, जैसे हम पानी चंद्रमा इज अफेक्टेड बाई पानी के साथ अफेक्टेड है, और हमारा सारा शरीर पानी का है। हाउ डज मैं कहूँगी कि जोनसी अपनी ओवरीज वगैरह है, जोनसी आपने जैसे बताया कि चंद्रमा के आधार पर रिलेट करती हैं, तो उसमें और भी जैसे खाने वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, तो एक सीडलिंग कहते हैं, डाइट नहीं है, पर इट्स लाइक एडवाइस, सीडलिंग एडवाइस है, कि जब भी मेंस्ट्रुएशन से डे 1 इज़ मेंस्ट्रुएशन 2 ओवुलेशन, के यूजली डे 14 होता है आपके पीरियड के साइकिल में, एक चम्मच फ्लैक्सीड, ग्राउंडेड फ्लैक्सीड, और एक चम्मच पम्पकिन सीड ग्राउंडेड आप रोज़ खाइए।
तेरे से गए। सो आरती, आप हमें जो उनसे टिप्स दे रहे थे, कंटिन्यू विद दैट नाउ। तो हम कह रहे थे कि ओवुलेशन तक जैसे वो 2 टेबलस्पून है ग्राउंड फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर एक और कुछ है जो ओवुलेशन के बारे मुझे कहना था अभी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता चले ओवुलेशन कभी हो रहा है आपका। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा यू नो जस्ट बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि आप बहुत पैसे वेस्ट कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू नो व्हेन यू ओवुलेटिंग एज वेल इज एक थर्मामीटर ले लीजिए, एक डिजिटल थर्मामीटर, और जैसे फ़ोन में बहुत ऐप्स होते हैं जैसे फर्टिलिटी फ्रेंड और बहुत ज़्यादा है, और उठने से पहले आप टेम्परेचर चार्ट कर लीजिए, टेम्परेचर आप देख लीजिए। सो सुबह मॉर्निंग टाइम में अगर आप टेम्परेचर चेक कर दें तो बेहतर रहता है। नहीं नहीं, उस टाइम में, उसी टाइम में रोज़ उसी टाइम में, क्योंकि जब भी आप उठते हैं और आपका काम करते हैं आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो रोज़ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बेड से उठने से पहले आप टेम्परेचर चेक कीजिए और एक चार्ट बनाइए एक टेलीफोन ऐप के साथ जो आपका ओवुलेशन प्रिडिक्ट करेगा। पर टेम्परेचर चार्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। एक लेडी थी, उसको PCOS था, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो उसको पता नहीं था कभी वो ओवुलेट कर रही है, उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उसको नेक्स्ट बेबी आने के लिए। तो वो शी मैनेज टू नो व्हेन शी इज़ ओवुलेटिंग और उसको बेबी आ गया। सो कई बार ओवरलाइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तो मेक श्योर जैसे आरती ने बताया कि टेम्परेचर जो है वो बहुत मायने रखता है। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज टेम्परेचर, इज इन आरती। तो आरती, और कौन सी आप टिप्स देना चाहेंगी जो उनसे कि हमारे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए? तो वो हमने कह दिया ना, तो फर्स्ट हाफ द साइकिल वो जो सीड्स होते हैं आप लेने के लिए, सेकेंड हाफ द साइकिल होता है इम्प्लांटेशन है, और वो है जब भी कंसेप्शन हो गया है, जब भी द स्पर्म हैज मेट द एग, पर अभी गर्भ में इम्प्लांट करना है। तो उस टाइम भी बहुत टिप्स है, पर जस्ट फॉलोइंग ऑन द सीडनिंग जैसे हमने कहा, वो सीड को डे 14 तक आप ग्राउंड फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड लीजिए। द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल आप लीजिए सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड, रगड़ कर 1 टेबलस्पून ऑफ ईच आप लीजिए। वो आपको साइकिल को आपका जो पीरियड है वो रेगुलेट कर लेगा। और जैसे इम्प्लांटेशन में आपको यकीन होना चाहिए और आपको कल्पना करना चाहिए, विजुलाइज कीजिए कि आपका जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर रहा है। एम्ब्रियो इज ग्रोइंग, इज ग्रोइंग, हाँ, कि अब कंसेप्शन हो गया है। और इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक बहुत अच्छा योगा पोज है जी कि आप कर सकते हैं, और इंटरनेट में आप देख सकते हैं, इट्स जस्ट पुटिंग योर लेग्स अप। तो आप कंध के साथ आप उधर बैठिए और आपके जो लेग्स हैं आप ऊपर रख लीजिए। सो बेसिकली दीवार पर आपने लेट कर जमीन पर, तो अपने जो उनसे पैर है उनको राइज करना, राइज कर लीजिए, हाँ, राइट एंगल्स। कितनी बार करना है? आप 10 मिनट रोज कर लीजिए। So morning and evening or ideally yeah okay yeah. But even so एक और एक्सरसाइज आपके लिए आरती जी ने बताई है, टिप्स तो दी है और अब एक्सरसाइज टाइम में भी। और जब जो सी टिप्स आपने बताई हैं इसमें मेनली जो सी वीमेंस है किसी भी टाइम पर जैसे आपने बताया, और जो से टिप्स हेल्थ की टिप्स जो से आपने दी हैं कि फ्लैक्स सीड और जो से सीड है उनको आपने ग्राइंड करके खाना है, वो कितने होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने चाहिए आपको लगता है? तो सीड्स 1 टेबलस्पून ऑफ ईच ना, वो यू टेक इट कितनी बार, आई मीन जस्ट वंस एक बारी, एक टेबलस्पून जो सा अपना नॉर्मल होता है। हाँ, 1 टेबलस्पून पर पहले 14 के डेज के लिए 2 सीड्स है, और सेकंड 14 डेज के लिए आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 सीड्स है। तो पहले 2 सीड्स आपका ओवुलेशन एग को अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, और द सेकेंड हाफ एम्प्लांटेशन वूम को ज़्यादा नरिशमेंट देता है। पर 1 टेबलस्पून ऑफ ईच वंस अ डे। ओके, सो ये ना मैंने कहा कि हमारे व्यूअर्स ज़्यादा खाने लग जाएं। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा खाने में गर्माश भी हो सकती है। सो एवरेजली जैसे आरती जी ने बताया कि एक स्पून जो है वो ही खाना है, और एक बार ही खाना है, एक बार रोज़ खाना है, रोज़ खाना। तो इज इट जैसे ना आरती, कई बार होता है कि जिनसे
हमारे मेडिकल टर्म्स में फोलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, वो कहते हैं कि सर्टन टाइम तक आपने फोलिक एसिड लेना है, तो इसका भी कोई है कि सर्टन टाइम तक आपने लेना है कि आपने जब कंसीव कर लिया बेबी तो उसके बाद भी खाते रहना है कि आफ्टर सर्टन टाइम यू शुड स्टॉप दैट? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अभी जो फोलिक एसिड है वो सुपर मार्केट से ले लेते हैं और उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ख़राब भी होती है, पर प्लीज़ आप अच्छा थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लीजिए, और वो जो सप्लीमेंट है 3 महीने पहले कंसीव करने से पहले आपको लेना चाहिए, और उसके बाद जब भी आप कंसीव हो जाता है आप प्रीनेटल विटामिन्स को चेंज कर लीजिए। तो फोलिक एसिड बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, विटामिन्स की बहुत ज़्यादा विटामिन्स आप ले सकते हैं, पर जैसे फोलेट ज़्यादा अच्छा होता है लेने के लिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। कहते जैसे फोलिक एसिड का तो रिसर्च में भी था कि स्पाइना बेफिटा वगैरह जो उनसे ऐसी बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं पहले ही बर्थ टाइम पर भी और वूम के अंदर भी, तो उससे काफ़ी डिफेंस मिल जाता है। तो फोलिक एसिड तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लें, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की, तो ये बहुत अच्छा आइडिया होता है। जैसे आरती ने बताया कि थ्रू आउट भी ले सकते हैं सर्टन थिंग्स, बट ये है कि फिर भी डॉक्टरी सलाह से जो भी करेंगे वो बेहतर रहेगा। या एंड अभी रिसर्च कह रहा है कि फोलिक एसिड से ज़्यादा फोलेट एक डिफरेंट डेरिवेटिव है फोलिक एसिड से, क्योंकि कभी कभी लोगों कभी कौन सी औरत होती है कि जो फोलिक एसिड है उसको उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप ज़्यादा रिसर्च कीजिए और फोलेट लीजिए, क्योंकि बहुत मल्टीविटामिन में फोलेट है और फोलेट ज़्यादा इट्स मोर एक्सेप्टेबल बाय द बॉडी। तो उसमें डिफरेंट क्या है फोलिक एसिड? आई थिंक कंपोजिशन है थोड़ी सी अलग है, और जब भी आपका शरीर ज़्यादा एक्सेप्ट करता है फोलेट को रादर देन फोलिक एसिड को, पर सेम है, इट्स द सेम थिंग, बट कईयों की बॉडी जो उनसी है वो ऑब्जर्व उस विटामिन को अच्छी तरह नहीं कर पाती और कईयों की दूसरी तरीके से वो ऑब्जर्व कर लेती है। जो जिसका ऑब्जर्व नहीं हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है। सो इट्स लाइक कई विटामिन जैसे मार्केट में हम लेते हैं हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं हमें साइड इफेक्ट हो रहा है, पता नहीं हमने ये विटामिन लिया। पर आई थिंक इसी में प्रोफेशनल तजुर्बे की ज़रूरत होती है कि डॉक्टर से अच्छी तरह सलाह लें कि उनको रियलिटी में कौन से विटामिन की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि मल्टी विटामिन टैबलेट हम ले लेते हैं एंड दैट्स फेयर इनफ, पर उसमें कई विटामिन कौन से होते हैं वो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, तो दैट्स अ वेस्ट। इट इज एंड इट्स यू नॉट डूइंग एनीथिंग, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो और कौन सी टिप आप देंगी जो उनसे कि जैसे कईयों को सेकंड बच्चा, जैसे हम बात करेंगे कि एक बच्चा तो हो गया है लेकिन सेकंड बच्चे की तैयारी में है, तो उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसे कहते हैं सेकंड बच्चे के लिए, वो कोई नहीं क्या करता है, क्योंकि पहले बच्चे के लिए सब आपको मदद करना है, सब सबका फर्स्ट बेबी इन द हाउस एंड सेकंड बच्चे का इतना वो भी नहीं, कई खुशी भी नहीं इतनी होती जो पहले बच्चे की तरह होती है, पर ऐसे ही माँ को ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि आप खुद का भी स्ट्रेस है पर आपके यंग बच्चे का भी स्ट्रेस है, तो बहुत गिल्ट होता है, आप जिम्मेदार समझते हैं कि आपके छोटे बच्चे को एक भैया नहीं दिया है, बहन नहीं दी है, तो वो गिल्ट आ जाती है। और फिर मोस्टली जब ये लोग ने प्रॉब्लम हो सकता है मेडिकल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप टेस्ट कीजिए कि इवन आपके पहले बच्चे का मे बी यू हैड अ ट्रॉमेटिक बर्थ, तो वो भी हो सकता है कि इट्स नॉट अलाउिंग यू टू कंसीव, तो आप देखिए थोड़ा क्लियरिंग करना है आपका वूम कैसा है, थोड़ा सा जैसे आप देखिए किधर आपको ज़्यादा टाइम देना है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, पर ऑल्सो आपका आप देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो बॉडी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और मे बी आपकी थोड़ी सी एज भी बढ़ गई है और उसके लिए ज़्यादा विटामिन्स लेने चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स, कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा मिनरल है टू सेल्स क्रिएट करने के लिए, DHEA भी है जो हेल्प करता है कि आप कंसीव भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि आपका एग क्वालिटी इम्प्रूव हो, आपके जो इंडोमेट्रियम है जो आपके वूम के अंदर है उसका सारा ब्लड फ्लो आ जाए एज वेल, तो सप्लीमेंट्स के साथ आप देखिए। और फिर खाना, जो आप खाना खा रहे हैं आपको परहेज़ करना चाहिए, जैसे ज़्यादा फ्राइड नहीं खाइए, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थी खाइए, फ्रूट वेजिटेबल और दूध,
दूध का तो हम बहुत बात कर सकते हैं, विटामिन डी फुल ऑफ यू नो, पर अभी दूध में थोड़ा सा कभी कभी इश्यूज हो सकते हैं. द डेयरी इंडस्ट्री यू नो थोड़ा सा, लॉट ऑफ पीपल गेटिंग एलर्जी रिएक्शन टू मिल्क. उनकी दूसरी फॉर्म भी है ना, मिल्क के दूसरे फॉर्म ले सकते हैं जैसे आलमंड मिल्क वगैरह. वो ही मुझे कहना था कि प्लीज़ आप कोशिश करके थोड़ा सा जैसे ओट मिल्क, आलमंड मिल्क देखिए, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या ऑर्गेनिक मिल्क पीजिए. नॉर्मल मिल्क जो शेल्फ में मिलता है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप तो एक हफ्ते के लिए आप दूध चेंज कर लीजिए, आप देखिए आप कैसे महसूस कर सकते हैं. आप हम कह रहे हैं फर्टिलिटी के बारे, तो आप साइकिल को देखिए कैसे आपकी साइकिल भी चेंज हो रही. मे भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा साइकिल को देखने के लिए, पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद कीजिए कि आपको क्या महसूस होता है आपकी ज़िंदगी में जब भी आप दूध को चेंज करते हैं. It's a very important part, जो दूध है. So milk and fertility का काफी बड़ा connection है. Well, it's having organic milk and being trying organic milk. ठीक है. थोड़ा सा it'll help, क्योंकि जो दूध है अभी बहुत उसमें preservatives होते हैं और वो infertility fertility को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है baby आने के लिए. जी आरती, क्या इसमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, कई वुमेंस जैसे उनके सिजेरियन सेक्शन वगैरह भी हुए होते हैं, तो उसमें फर्टिलिटी सेकंड बच्चा जब लेना होता है तो ये सोचा जाता है कि सिजेरियन में कोई टाइम लिमिट भी होती है, कि पहले तो था कि 5 साल की आपको वेट करनी है. एंड कई बड़ी इसमें और भी कनेक्शन, कई कहते हैं 3 साल वेट करनी चाहिए बिफोर यू हैव, बिकॉज आपकी बॉडी पूरी तरह हील नहीं होती. तो उसमें ये भी है कि कई लोग प्रेशराइज भी करते हैं वुमेन को भी, अब सेकंड अभी लिया नहीं तुमने और टाइम इज़, एंड वुमेन ऑलवेज हैव कंसर्न अबाउट द एज इज वेल. तो इसमें क्या क्या पार्ट्स प्ले होते हैं जब हम सेकंड बच्चे को लेना चाहते हैं? तो आई थिंक जो ये जो सवाल है औरत को खुद जवाब देना है, क्योंकि एवरीबडीज रिकवरी बहुत अलग है. इवन सिजेरियन में जो नॉर्मल सिजेरियन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको बच्चा नेचुरली आ सकता है और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और आप वजाइनल बर्थ भी दे सकते हैं उसके बाद. तो आपको देखना चाहिए आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी इफ़ योर बर्थ वॉज वेरी ट्रोमैटिक एंड देन यू वेंट, आपको सिजेरियन हुआ है, तो ज़रूर आपको ठहरना चाहिए. पर हमारा जो शरीर है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है. आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा प्रेशराइज करने और जल्दी करने के लिए, और नहीं होगा. सो इट हैज़ ओन हीलिंग टाइम, एंड उसी के हिसाब से आपके शरीर ने चलना है, क्योंकि इंटेलिजेंट रिसीव अ मैसेज एंड द मैसेज इज पास टू आवर बॉडी, कि किस तरीके से अभी बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, हमारी बॉडी सोचेगी. ज़रूर जी, ज़रूर. और इसलिए तो माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, आप खुद शांत में बैठिए, और जब भी आप शांत में बैठे लंबी सांस रख कर आप सोचिए यू नो क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, अभी चाहिए बाद में चाहिए, बॉडी हील है या नहीं. क्योंकि डॉक्टर्स कहेंगे जो हमारे बेहतर के हैं, पर उसको सारी टोटालिटी में नहीं देखते हैं. हम खुद टोटालिटी में देख सकते हैं, और डॉक्टर के साथ आप लिएज कर सकते हैं और गोइंग और फॉरवर्ड जा सकते हैं. तो एक किस्म ये मैं कहूँगी कि हम अपने आप डॉक्टर हैं अपनी बॉडी के, टू सर्टन पॉइंट. तो हमें अपने शरीर की जांच हमें आप करनी चाहिए, कि हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को क्या ठीक लगता है इन ए वे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होती है, क्योंकि कैरी ऑन तो औरत ने करना होता है प्रेगनेंसी का. अगर वो ही क्लियर नहीं है उस मामले, तो इट्स नॉट गोना बी वर्कआउट क्वाइट नाइसली. वेदर जब प्लान किया होगा कि हाँ मुझे बच्चा चाहिए अभी, और मैंने प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपने मुझे ये प्रॉब्लम्स आई थी या ये अच्छा हुआ था, क्योंकि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. एज आपने बताया कि सेकेंड बार थोड़ी कम हेल्प मिलती है, तो उसमें ये होता है कि औरत को ये लगता है कि मुझे अपनी हेल्प आप करनी चाहिए. हाँ जी. तो और इसमें आप ये क्या बताएंगे कि IVF के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कि वो क्या है, IVF के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स को दें. तो IVF यूजली होता है जब भी आपको बहुत लोग कभी IVF में जाते हैं क्योंकि खुद बच्चा नहीं हो रहा है, पर कभी कभी जाते हैं IVF के लिए क्योंकि इट्स सीम्स लाइक इट्स अ सिंपलर वे टू हैव अ बेबी.
और IVF बहुत अच्छा है. मैं खुद एक IVF क्लिनिक के साथ काम करती हूँ, इंटरनेशनल फर्टी इंटरनेशनल. और जो की है आपको देखना है, जो तो IVF है जब भी आपको थोड़ी सी मेडिकल हेल्प मिलती है टू कंसीव फॉर अ बेबी. तो जो यूजली बहुत अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, पर जैसे मे बी औरत को थोड़ा सा एग का प्रॉब्लम है जी, और ओवुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है और एग क्वालिटी ख़राब है, तो आप एग डोनर भी कर सकते हैं. और IVF अलाउ करता है कि एक डोनर एग के साथ आपके पति के या पार्टनर के स्पर्म के साथ आप खुद बच्चा को गर्भ में रख सकते हैं. और मे बी आपका हस्बैंड का प्रॉब्लम है और यू कैन हैव डोनर स्पर्म, तो वो एक किस्म के IVF है जी. पर कभी कभी कंसेप्शन हो नहीं रही है जी. तो आप खुद का एग और स्पर्म बाहर एक लैब में एक टेस्ट ट्यूब में वो अलाउ करते हैं कि वो कंसीव हो जाए जी. और फिर वो आपके गर्भ के अंदर डालते हैं. दिस इज़ बेसिकली मैं सिंपली मैं कह रही हूँ. पर जब भी आप एक क्लिनिक को चूज़ करते हैं, आप प्लीज़ उसके रिव्यूज़ देखिए. आप ऐसे नहीं जाइए हाँ मुझे NHS से मिल रहा है या मेरे गवर्नमेंट से मिल रहा है मैं इधर जाऊँगी. आप प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है. डेफिनेटली. और वेस्ट नहीं कीजिए ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ड्रग्स होते हैं कि वो जैसे एग को प्रिपेयर करने के लिए एक दूसरे मेडिकेशन और ड्रग्स इंजेक्शंस भी होते हैं, सपोजिटरी भी होते हैं, तो आपके हॉर्मोन्स भी होते जिधर किधर जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो जब भी आप क्लिनिक को चूज़ करते हैं, आप देखिए कि वो क्लिनिक नेचुरल है. आप मोर लाइकली मोर एंड इट्स बुटीक जैसे, जिसे आप कभी आप कुछ खिलाइए आपको, आप कुछ अच्छा होगा कि जब इधर से आप ले रहे हैं कुछ आपको ज़्यादा अटेंशन देने. ऐसे आप एक इंसान हैं और यू नो एक जैसे एक मिल इस आई एम सॉरी टू यूज़ एग्जांपल, कभी कभी फैक्ट्री होता है और एक और एक एक इंसान और है आप उसमें, तो थोड़ा सा धीरज रखिए. मुझे पता है कि कभी कभी बहुत लोगों को बहुत ज़रूरी है और अभी करना है, पर जो आप धीरज अभी रखेंगे तो अच्छा बाद में कामयाब हो गए और आपकी अवस्था अच्छी होगी. नहीं तो फिर आप कह रहे हैं आप जल्दी कर रहे हैं, पर रियली आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम. सो ये बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम पर आप कंसीव भी करें. और जो उनसे इंफॉर्मेशन लोगों से आपको बहुत सारे इंटरनेट पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो बहुत ज़रूरी है. जैसे आरती जी ने बताया कि उसके बारे में पूरी अच्छी तरह छानबीन करके अपनी सलाह के लिए भी जाएं तो बेहतर है. कई बार ये लॉट्स ऑफ मनी कॉस्ट इज़ वा यस. सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में हर एक तरह के बाज़ार खोल कर बैठे हैं जिसे हम कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपने फर्टिलिटी के बारे में, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू IVF जो है, उसके बारे में सही सलाहकार से अपनी सलाह लें. और कौन कौन सी थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इसमें? तो फर्टिलिटी के लिए जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि जो आप जब भी आप मसाज के लिए जाते हैं या रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए जाते हैं वो अच्छा होता है, क्योंकि वो जैसे ब्लड स्टिमुलेशन होती है और ऑल्सो आप एग को गुड क्वालिटी कर रहे हैं ब्लड फ्लो के साथ. योगा भी बहुत अच्छा है. okay. आप तो योगा जो होता है आपको अलग अलग पोजेस करने पड़ते हैं. जैसे आपका पीरियड्स जो होता है ना, डे वन जब भी आपको ब्लीड होता है, अलग अलग तरीके के साथ आप पोजेस कीजिए. जैसे पहले आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़े से ग्राउंड होना चाहिए. जब भी आप ओलोवेशन से पहले आप दूसरे पोजेस कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन के साथ आप दूसरे पोजेस कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, पर प्लीज़ आप इतना साइकिलिंग नहीं कीजिए और बहुत ज़्यादा टू मच रनिंग एंड मैराथन एंड ऑल दैट. थोड़ा सा परहेज कीजिए, अभी थोड़ी जेंटल हुई है आपके शरीर के साथ, जैसे स्विमिंग कीजिए, टेनिस या थोड़ा सा वॉकिंग के लिए जा सकते हैं. सो लाइट एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, जैसे माइंडफुल, जिसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो गया या योगा हो गया जैसे आपने बताया, वही है. एंड स्विमिंग इज बेस्ट, वो तो सारे ही बताते हैं कि स्विमिंग जो है इज द बेस्ट एक्सरसाइज. और भी कोई है जैसे कि फूड वाइज या आप एक्सरसाइज में और क्या क्या कर सकते हैं? तो खाने के बारे आप थोड़े से रिसर्च कीजिए और सुपर फूड खाइए, क्योंकि हम बहुत सुपर फूड, आई लाइक दिस वर्ड सुपर फूड.
सुपर फूड जैसे आप आई एम श्योर आप भी खाते हैं, जैसे किनोआ होता है, राइस से ज़्यादा किनोआ खाइए रादर देन ब्रेड एंड वेल इट्स ऑल, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए जैसे पोटैटोज़ और पोटैटो से ज़्यादा आप स्वीट पोटैटो खाइए वो या पम्पकिन खा सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट कीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। और एक दूसरा ग्रेन है जो अमरथ है, और वो भी सीड्स जैसे है, आपको थोड़ा सा भिगोकर आप ऐसे राइस जैसे खा सकते हैं। दूसरा सुपर फूड होता है, वेल आप सब जानते होते हैं मिलेट, मिलेट सीड्स जैसे आप रोटी बनाते हैं अभी सीड्स भी मिलते हैं, तो वो भी जैसे खा सकते हैं। और खाना तो वेल बैलेंस्ड डाइट, पर थोड़े से जैसे हर्ब्स मिलते हैं जी वो भी अच्छा होता है, जैसे अश्वंगा जो अश्वंगा वो बहुत अच्छा है फर्टिलिटी के लिए। टी भी मिलती है कि आप टी भी ले सकते हैं जिधर अश्वंगा होता है थोड़े से, बिकॉज आपको राइट बैलेंस में लेना है, बहुत ज़्यादा भी खराब है और कम भी कुछ नहीं करता है, एवरेजली सब कुछ बैलेंस हो तो बढ़िया रहता है। एग्जैक्टली। और दूसरा भी है माका, माका एक साउथ अमेरिकन हर्ब है, वो भी कहते हैं फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आप वो स्मूदी में डाल सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, वेल बैलेंस डाइट, थोड़ा सा और बताएंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जब आप फर्टिलिटी में ट्राई कर रहे हैं। आई नो यू मेंशन कि क्यूकम्बर के बारे में भी आप बता रहे थे कि हाँ जी सॉरी मुझे पहले बताया था जी अब याद आया, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दे कि वो किस लिए ज़रूरी है और स्पेशली जब आप फर्टिलिटीज ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली या सो जस्ट ईट लाइट फूड, लाइट फूड ज़्यादा अच्छा है, जैसे क्यूकम्बर बहुत अच्छा होता है, कैबेज अच्छा होता है, वो ज़्यादा इट जस्ट हेल्प्स टू बी एबल टू अलाउ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो अच्छी तरीके के साथ वो आपका जो शरीर अच्छा इट्स वर्किंग बेटर, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिंक्ड है। ओके। तो आप देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं जिधर आपकी गर्भ है, इट्स इन द लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक, सो सारा लिंक्ड है। तो सेलरी क्यूकम्बर कैबेज अच्छा होता है, कोकोआ बहुत अच्छा होता है, जब भी आपको चॉकलेट का क्रेविंग है आप ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाइए, वो भी बहुत ज़्यादा। एक आर्टिकल मैंने देखा था आरती, वो डार्क चॉकलेट कहते हैं कि बहुत हैप्पीनेस देती है आपको, एंटीडिप्रेसेंट। सो एक्सपर्ट ने भी कह दिया, मैं कल ही पढ़ रही थी तो वो कह रहे थे कि डार्क चॉकलेट वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। तो आदमी नहीं खा सकते यानी? नहीं ज़रूर खा सकते, पर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको ज़्यादा वो थोड़े से यू नो दे नीड मोर शुगर। यस। सो डार्क चॉकलेट जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपको क्रेविंग होती है चॉकलेट की तो आप ज़रूर डार्क चॉकलेट खाएँ, एंड make you happier as well and healthier as well, isn't it? Definitely. चलो बढ़िया, ये भी बात बढ़िया। और जौन सी हमारी मेन फ्रूट्स जौन से होते हैं उनमें आप कौन कौन से फ्रूट्स कहेंगे कि ये फर्टिलिटी में काफ़ी कामयाब है या आपको देखने में आया कि ये फर्टिलिटी में मददगार होते हैं, वो कौन कौन से फ्रूट्स होंगे? तो आई थिंक बेस्ट फ्रूट जो होता है बेरीज होते हैं, बेरीज सो नाइस ब्राइट बेरीज, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स में वो बहुत रिच होते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज आप खा सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। और फिर बनाना भी अच्छा होता है, पोटेशियम में तो बहुत अच्छा होता है, पर मैं ज़्यादा कहूँगी बेरीज अच्छे होते हैं, आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, फ्रोजन बेरी उस बेरी स्मूथी बनाकर भी पी सकते हैं। सो अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी में हेल्प के लिए क्या क्या जल्दी से आप बता दें क्योंकि हमारा टाइम फिनिश होने वाला है, कहाँ कहाँ से मदद मिल सकती है फर्टिलिटीज के बारे में? तो डिपेंडिंग वेयर यू आर देयर इज अ लॉट ऑफ चैरिटीज, बहुत है, इन फर्टिलिटी यूके भी है इधर, और आपका आप खुद मददगार बनिए, आप खुद के लिए आप खुद मददगार बनिए, और सहारा देखिए आपके फ्रेंड्स, एक दो फ्रेंड्स आप ढूंढिए जिसे गोल्ड डस्ट होते हैं, वो आपको इतना प्यार देंगे, आपको इतना करुणा के साथ संभालेंगे। That's a lovely message, sir. Help yourself and find a friend. Yeah. इसी के साथ हमारा आज का शो फिनिश होता है, हेल्थ टॉक शो विद मी बलबीर। जी हाँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस कुछ खास हेल्थ टॉपिक के साथ और स्पेशल गेस्ट के साथ। जी मैं अकेला ही चला था सफर पर, लोग मिलते गए और एक काफिला बनता